Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel has written a letter to the Prime Minister as well as Finance Minister requesting to ask the Pension Fund Regulatory Authority to return 17,240 crore to the Chhattisgarh government, which has been transferred to NSDL under the new contributory pension scheme. So those are the latest details coming in at this point in time. Jay Prakash is joining us for more details. Jay Prakash, kya bata sakte hai aap is chitti ke bare mein? देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री लगातार जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे पेंशन स्कीम का मामला हो। अभी राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में भी नई पेंशन स्कीम लागू की गई है, और जिसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था और अभी भी वो केंद्र सरकार पर निशाना साधे। उन्होंने कहा है कि जो कर्मचारियों का पैसा कटता है और केंद्र सरकार के पास जमा होता है, वो पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को तत्काल जो है वापस कर देना चाहिए केंद्र सरकार को, और उस पैसे के आधार पे जो है नई पेंशन स्कीम के तहत जो है छत्तीसगढ़ सरकार पेंशन तय करेगी। और इसको लेकर पहले भी उन्होंने लगातार कहा है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार का पैसा जो है केंद्र सरकार के पास जमा रहता है, उस पैसे को देने में केंद्र सरकार कई बार बहुत लेट लतीफी करती है, जिसके कारण जो है छत्तीसगढ़ के बजट में दिक्कत जाती है और सरकार को जो है कहीं ना कहीं जो है कर्ज लेना पड़ता है। इसको लेकर एक बार फिर भूपेश बघेल ने जो है निशाना साधा है केंद्र सरकार पर। जी जी बिल्कुल जयप्रकाश, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और सारी जानकारी के लिए।